हेलो दोस्तों वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन आप सबका एक बार फिर से अवेकन ब्रेन्स पे एक गर्म जोशी के साथ मैं स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में जिसका टाइटल है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोस्तों इंडियन पॉलिटी हर एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो आज आपके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होगी रिवीजन करने का टाइम है और इसी तरह के क्वेश्चन आंसर वाले सेशंस आपको काफी हेल्प करेंगे दोस्तों ये एमसीक्यूज नहीं है बल्कि वन लाइनर क्वेश्चन और एक ही आंसर होगा उसके सामने ताकि आपका टाइम बचे तो दोस्तों हम इसको शुरू करने से पहले आपसे कर रहे हैं रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं अवेकन ब्रेंस पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह के वीडियोस हमारे एंड से पाने के लिए इस चैनल को अवेकन ब्रेंस को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे एंड से हर लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा अंत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक ये वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें तो बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ तो वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर है तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टर्मड एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा गया है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मैं जल्दी से पढ़ना चाहूंगा ताकि आपका भी टाइम बचे विच आर्टिकल ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ इंडियन सिटीजनस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिस इज़ आर्टिकल फोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ अपोजिट टू प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ़ लॉ जहां रूल ऑफ लॉ चलता है तो उसका अपोजिट क्या है जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं चलता वहां उनको प्रिविलेज मिलती हैं और इम्यूनिटीज मिलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल सत्रह और आर्टिकल अठारह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोवाइड करता है वो सोशल इक्वेलिटी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है सिक्स फ्रीडम्स सिक्स फ्रीडम्स आपको पता ही है फ्रीडम ऑफ स्पीच है फ्रीडम ऑफ uh, जो है एसोसिएशन है वगैरह वगैरह उस छः फ्रीडम्स हैं आप इंडियन पॉलिटिक पे आप अच्छे से इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर देख सकते हैं हम यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ और रेफरेंसिस भी दे रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मैंशनड इन विच राइट तो फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया कि ये जो अखबार है टेलीविजन है ये जो रेडियोज हैं इनको किस में फ्रीडम दिया गया किस आर्टिकल में तो आर्टिकल का नाम है राइट टू तो एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं राइट टू तो प्राइवेसी कम्स अंडर ये आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंडर आती है व्हाट इज़ द बेसिस फॉर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये रिलीजन है रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटीज तय की जाती हैं इंडिया में राइट टू तो एजुकेशन आर्टिकल ट्वेंटी ए इन आवर कंट्री इज अ फंडामेंटल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ सिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने ऊपर बात की हैज बीन प्रोवाइडेड आर्टिकल थर्टी टू जो पहला ही क्वेश्चन था आज का हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट और हाई हाईकोर्ट दोनों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड स्पेशली आर्टिकल 33 के अंदर इनको उतने फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते बेल्ट फोर्स को जितने एक आम इंसान को दिए जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज व इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ये स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत दिए गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन यहां पे आर्टिकल फिफ्टी ए इसका सही आंसर है वेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइनटीन हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज है फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से बौरो की है यूएसएस आर से बौरों की हैं तब यू एस एस आर था अब तो वो टूट चुका है अब रशिया से अलग हो चुकी हैं बाकी सारी एसोसिएशन जो एसोसिएटेड स्टेट्स थी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इसको हम आज के शब्दों में कहें तो रशिया से भी कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सस्पेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजेंस कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये सस्पेंड हो सकते हैं हु कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजेंस यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है हाउ मैनी फंडामेंटल राइट वर देयर इन द बिगिनिंग तो सेवन फंडामेंटल राइट्स टोटल थे उसके बाद एक को खत्म कर दिया था वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला है वा आप इन डिटेल जो है ये जो है लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट वॉज अबॉलिस्ड बाई फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट तो ये यहां पर साथ में उसका दोबारा जिक्र कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी इंडियन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टीजा अब वो लीगल राइट right हो गया फंडामेंटल राइट right नहीं रहा लीगल राइट right हो गया है. तो दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को अवेकन ब्रेंज को ज़रूर और जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों कोई भी फीडबैक देना हो तो वेलकम आप कमेंट में लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे हम बाय विच नेम नेम्स इन आवर कंट्री मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर हमारा जो है अवर कंट्री का जो नाम है वो इंडिया एंड भारत दिया हुआ है विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विच आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन विच फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ स्टेट्स की uh, तर्ज पर इसको डिस्क्राइब किया गया है स्टेट ऑपरेट्स थ्रू कैसे गवर्नमेंट के थ्रू uh, ये ऑपरेट होती है हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया कौन एडमिट करता है नई स्टेट अगर डालनी हो इंडिया के ये यूनियन के अंदर तो वो पार्लियामेंट ही इस मैटर को डिस्कस करता है और उसके, ही है, उसके पास ही ये उसके पास ये पावर है और वही जो डिसाइड करता है किसको एडमिट करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हु हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट नया स्टेट बनाने के लिए या टू चेंज द बॉर्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ये भी पार्लियामेंट के पास ही हमारे पावर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम या डिफाइन कर सकती है रीडिफाइन कर सकती है बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट वो सिंपल मजोरिटी से कर सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इंजॉयज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया तो ये आंध्र प्रदेश रहेगा इसका आंसर लिंग्विस्टिक स्टेट पहली आंध्र प्रदेश बनी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस तो 1956 में ये हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1956 जो है वो क्रिएट किया गया था तो उसके तहत 14 स्टेट्स बनी थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका जो है वो अचीव किया था नाइनटीन में सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड फाइव टाइप से एक्वायर की जा सकती है विच आर्टिकल डिस्क्राइब इंडिया एज अ भारत आर्टिकल वन इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट थ्री वेज से इंडियन सिटीजनशिप इज गारंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल ऑन ट्वेंटी नवंबर नाइनटीन फोटी नाइन विच स्टेट

आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन सा रिलेट करता है अबॉलूशन ऑफ आर्टिकल 17 आर्टिकल कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इनोमरेट करता है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 51 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस अंडर किस के आर्टिकल के तहत इंडियन पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया है आर्टिकल टू के अकॉर्डिंगली विथ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन सेवरल स्टेट तो यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल के तहत ये हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड तो यहाँ आर्टिकल टू एटी के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुत इन इंडिया इज बेस्ड ऑन अब इन स्कैंडिनेवियन सिस्टम के बेस पे स्कैंडिनेवियन हो गया जो हमारे यहाँ जो है यूरोप की कुछ स्टेट्स हैं उनको स्कैंडिनेवियन स्टेट्स कहते हैं उसमें नॉर्वे भी आता है स्विट्जरलैंड आता है और बाकी सारे कुछ थोड़े कंट्रीज आती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम बात करें विच वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन से ही मेजर सोर्स हमने लिया हुआ है क्योंकि तब एक्ट जो है पूरा का पूरा बन चुका था और उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ इंपॉर्टेंट उसके फीचर्स लिए क्स्ट इंडियन इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इंडियन पॉलिटी डैश डैश इज सुप्रीम तो द कॉन्टीट्यूशन हमारा सुप्रीम यहां पर दिख रहा है हु वॉ द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्बली ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू खुद थे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वट वॉज द बेसिस फॉर द कंसल्टिंग ऑफ कॉन्ट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया तो कैबिनेट मिशन प्लान नाइन फोर्टी सिक्स छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन असेंबली वर कंडक्टेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट ग्यारह सेशन बिठाए गए थे ग्यारह बार कॉन्स्टिट्यूंट अब्ली मिली थी मीटिंग हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे यहां पर मेम्बर्स ऑफ दिट्यूट असेंबली यहां परलेक्टेड बाई प्रोवेंशियल असेंब्लीस What was the exact constitutional status of Indian Republic on 26th of January 1950 when the constitution was inaugurated a sovereign democratic republic दोस्तों अगर अभी तक आप ये चैनल देख रहे हैं तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम इंडियन आर्टिकल नंबर वन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर करते हैं इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स में uh, फिर मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे करनी है फिर उसके बाद आर्टिकल ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 टू 51. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लियरली प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस बट दिस फ्रीडम इज इम्प्लिसिट इन पे आर्टिकल नाइनटीन वन ए में दिया हुआ है डायरेक्टली लिखा नहीं लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है फिर टेंथ शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन जिसमें कोई भी मंत्री अपनी पार्टी छोड़ के जाता है तो या अपनी पार्टी को छोड़ना चाहता है जिसपे उसने सीट लड़ी हो और जीता हो उसके तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो टेंथ शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन जो है लेजिस्लेशन बनाया हुआ है फिर विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट फोर्टी सेकेंड एक्ट है भैया यहां पे अब बात करते हैं नेक्स्ट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पांच फीचर्स आपको दिख रहे होंगे so, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पावर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी आर लिस्टेड इन ट्वेल्थ शेड्यूल एज वी ऑल नो चाइल्ड लेबर इज टोटली बैंड इन इंडिया आर्टिकल ट्वेंटी फोर कहता है एज पर दैट चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कम्प्लीट द एज ऑफ यहाँ पे फोर्टीन ईयर्स ऑफ हिज आर हर एज चौदह साल से जो भी छोटे हैं वो चाइल्ड जो है लेबर में ही उनको काउंट किया जाएगा उससे ऊपर नहीं अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच तो आर्टिकल सिक्सटी वन के तहत प्रेजिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है रिमूव किया जा सकता है उसकी पोस्ट से प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे आर्टिकल वन सिक्सटी नाइन आपको देखने को मिलेगा विच आर्टिकल लेज डाउन दैट टैक्सीज कैन नीदर बी लिव नॉर कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ ये आर्टिकल टू फिफ्टी फाइव कहता है

फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट येवेंथ शेड्यूल डील करता है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंस प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे टेंथ शेड्यूल इसके बारे में बात करता है आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू कंकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट भी रूल बना सकती है सेंटर भी रूल बना सकती उसको है उसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं तीन तरह की लिस्ट होती है सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट तो एजुकेशन जो है लिस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम विच शेड्यूल प्रोविजन रिगार्डिंग द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा तो यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल फिर नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद पार्लियामेंट इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मैं विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड

फिर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप फॉरेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुवेलिटी टू एनिमल आर लिस्टेड इन कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल सेवन शेड्यूल के अंदर फॉरेन जेरिस्डिक्शन इज लिस्टेड इन तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंदर ठीक है शेड्यूल के अंदर फिर नेक्स्ट है लोकसभा जो है वो मेक्स लॉ ऑन द मैटर इंक्लूडेड यूनियन लिस्ट लिस्ट एंड लोकसभा लॉ बनाती है उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिस्ट किए गए हैं सेवन शेड्यूल में यूनियन ऑफ इंडिया के यूनियन लिस्ट में सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु द चेयरमैन ऑफ प्रोवेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यहां सरदार पटेल का नाम आता है आपकी स्क्रीन पे फिर फर्स्ट सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था डेफरमेंट जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 ईयर वाज एडुकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय मौलाना आजाद उसके बाद यहाँ पे हाउ मच टाइम द कॉन्टीट्यूट असेंबली टुक टू तु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन लगाए थे पार्टली रिजिनेट पार्टली फ्लेक्सिबल कुछ चीजें आराम से चेंज हो सकती हैं कुछ चीजों के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है इसलिए इसको कहते हैं जब भी अमेंड करना है कॉपरेटिव फेडरलिज्म तो ये जी ऑस्टिन ने कहा वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म ये ब्रिटेन में नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी एक्जीक्यूटिव इज सबॉर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर कोई भी एग्जीक्यूटिव लेचर को सबॉर्डिनेट करता ही करते हैं द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ़ पार्लियमेंट पार्लियमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो उसको जो है मोस्ट इसेंशियल फीचर माना जाता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी जहाँ पे हो एट विच ऑफ इट्स सेशन इट सेन ऑफ द सोसाइटी अवधि सेशन नाइनटीन फिफ्टी तो दोस्तों अगर अभी तक आप ये चैनल देख रहे हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी तरह के वीडियोस के लिए इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें दें ताकि हम भी आपकी फीडबैक के अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकें तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पे आपके स्क्रीन पे है कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंट्रीब्यूशन है ब्रिटेन की नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट वॉज बॉर्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका ट इज दट इज डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर प्रियम्बल को कहा जाता है द फर्स्ट कंट्री विच अडोप्टेड प्रियम्बल फॉर इट्स रेटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स ऑफ अमेरिका है हाउ मनी टाइम है प्रियमल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीनेंडेड तो यहाँ पे एक टाइम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्टीट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए सोरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मैंने पहले भी बताया नेक्स्ट है मेथड ऑफ एमेंडिंग द कॉन्स्टूश बाई पॉपुलर वोट इज फाउंड इन स्विजरलैंड By which amendment the word socialist or secular and unity and integrity of nation were added to preamble of Indian Constitution. So, तो this 42nd Amendment, 1976. में हुआ. फिर philosophy and the values of maker of Indian Constitution are reflected in preamble. से पता चलता है कि वो किस तरह का constitution बनाना चाहते थे. The term "we" in the preamble means तो so ये सारे लोगों के लिए जो Indian citizens हैं, उनके लिए "we" word लगाया गया है. We the people of India. विच एट्रीब्यूट इन द प्रियम्बल स्टेट दैट नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर तो कहाँ कहाँ परियम्बल के अंदर ये एट्रीब्यूट हमें देखने को मिलता है जहाँ पर ये साफ तौर पर बताया गया है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया दूसरे सिटीजन को इन्फीरियर मान ही नहीं सकता ये फर्टिनिटी के अंदर हमें पता चलता है द वर्ड टर्म फर्टिनिटी इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड हम सारे भाई हैं इसलिए कोई इन्फेरियरिटी कम्पलेक्स नहीं होगा एक दूसरे के साथ और सुपेरियॉरिटी कम्प्लेक्स नहीं होगा नेक्स्ट है हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने ये ड्राफ्ट कमेटी के सामने रखा था प्रियम्बल का तो फिर नेक्स्ट है सेकुलर स्टेट इज वन जहाँ पे कोई भी इसका अपना रिलीजन नहीं होता स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता लोगों का रिलीजन होता है लेकिन स्टेट किसी रिलीजन को फेवर नहीं करती आप इसके बेसिस पे डिसाइड करें कि हमारी स्टेट क्या है फिर उसके बाद इन रिपब्लिक अल्टीमेट पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया है यहाँ पे मुझे प्लस वन कर देना चाहिए इस वक्त अगर हम लद्दाख और जे एंड के भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज को मिलाया गया है कुछ आ, जो है टेरिटरीज जो है इस वक्त हमारा नंबर जो है कुल मिलाकर आठ यूनियन टेरिटरीज हैं अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे 28 स्टेट्स आएंगी क्योंकि फिर अब फ्लक्चुएशन हुई है ये पुराना आ, शायद इन्होंने डाल दिया इसमें तो इसलिए मैं इसको री अप दोबारा से कर रहा हूँ अपडेट कर रहा हूँ और इनमें कोई नंबर्स में कुछ ऊंच नीच होगी तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे ट्वेल्थ शेड्यूल है द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द एट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्वेंटी टू फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ एंड ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज दियर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन फर्स्ट शेड्यूल द केस ऑफ केशवनंदा भारती केस बहुत ही पॉपुलर केस वर्स स्टेट ऑफ केरला इज रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे था नाइन शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इकनॉमिक प्लानिंग जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है द टर्म एग्रीकल्चर बिलोंग टू द स्टेट लिस्ट उसके बाद हाउ मनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी टू पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो पर्सन में चेंज बट रूल्स शुड नॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फिर उसके बाद फ्रॉम वेयर इंडियन अडोप्टिड द फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉग सेंटर तो कैनेडा से हमने अडोप्ट किया है इंडियन फेडरलिज्म जो है हमारा क्लोज फेडरलिज्म है कैनेडा के साथ मिलता है फंडामेंटल राइट right, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंडिया का सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम जो है सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम जो है हमने अडॉप्ट किया ब्रिटेन से रूल ऑफ लॉ जो है स्पेशलिटी है विच कंट्री यूनाइटेड किंगडम यू के वही ब्रिटेन उसके बाद फेडरल वर्ड जो है मैंशन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इज द वर्ड फेडरल फेडरल तो कहीं मैंशन ही नहीं है बस उसका एक नेचर हमें दिखता है फेडरलिज्म का नेक्स्ट द सिस्टम ऑफ बजट जो इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ जब कौन सॉरी वाइस रॉय कौन था जब सिस्टम ऑफ बजट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार इंडिया में लॉर्ड कैनिंग था सॉरी यहां पे मैं बात करूंगा डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो अडॉप्ट किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए अब मुझे नेक्स्ट बताओ कि फ्रॉम विच नेशन हैव वी टेकन द प्रोविजन ऑफ जुडिशल रिव्यू यहां पे आपकी स्क्रीन पे होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जुडिशल रिव्यू हमने लिया है यूनिटेरियन प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रांस से लिया हुआ है फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है प्रेजिडेंट का यूएसए से लिया हुआ है फ्राम वेयर वी बोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया हुआ है सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेबर्स ऑफ राज्यसभाज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया हुआ है फिर कंक्रेंट लिस्ट का सिस्टम हमने बोरो किया ऑस्ट्रेलिया से फिर स्लोगन जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है हमने लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी फिर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो हम follow है हम फॉलो करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है फिर कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ ब्रिटेन के अंदर फिर इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वो लिया गया है जर्मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फिर उसके बाद फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वो हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन से बोरो किया गया है। फिर वेयर डू वी फाइंड द आइडल्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये प्रियम्बल में मिलता है विच एक्ट एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत बार ये डिस्कस कर चुका हूँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है शोज दैट इंडिया इज द कंट्री विच इज अ डेमोक्रेटिक द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन पावर एज दैट ऑफ ब्रिटिश क्राउन फिर फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूज इन आर्टिकल फोटीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इंडियन कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन फेडरल गवर्नमेंट स्टेट इंजॉयज द पॉवर गिवन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट जो है प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेजिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ द लेजिस्लेचर फिर फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट फॉरवर्डेड पुट फॉरवर्ड बाई गाइव कन्वेंशन दैट अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड बाई यूनाइटेड किंगडम फॉलो करता है इस चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर लोकल गवर्नमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी

नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमें कौजी फेडरल जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब किया गया है ये किसके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है केसी भारे के सी वह के द्वारा नेशनल एंथम जो अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टूट असेंबली ने यह 24 जनवरी 1950 को किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था कॉन्टिट्यूट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चेयरमैन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेकर हु ऑज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कमेटी ऑफ दूट असेंब्ली तो जेपी जे बी कृपलानी थे हाउ मेनी में इन द इंट्रीम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दो सौ छियानवे थे हु इज कंसिडर्ड एज द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो डॉ भीमराव अम्बेडकर कोई फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनलिटी रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री में फिर उसके बाद नेक्स्ट है हु ऑज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एट द टाइम ऑफ द ड्राफ्ट टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी एन राउत है यहाँ पे इनका नाम आएगा हुयरमैन प्रेजिडेंट अब्लीफ इंडिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर उसके बाद प्रेज़ाद, प्रेजाइडेड ओवर दर्स्ट मीटिंग किसने की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो डॉ सचिंदानंद सिन्हा ने द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूट ऑन द स्की ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान के बेस पर बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप की नाइनटीन फोर्टी सिक्स में टिंग अपनी फाइव एम एन रॉय ने यह कहा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो विच एक्ट सजेस्ट द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन से सजेशन मिली फिर वेस्ट मिनिस्टर पार्लियमेंट्री सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन विच कंट्रीनाइटेड किंगडम तो उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर नाइटी फोर्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स फोर छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ जनवरी वॉज सेलेक्टेड एज द डेट ऑफ द इनागरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व इट एज द इंडिपेंडेंस डे उन्नीस को इसको ऑब्जर्व किया गया था फिर वो हमारी किस्मत से हमें उस दिन आज़ादी नहीं मिली तो इसलिए इस छब्बीस जनवरी को एडजस्ट करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही 26 जनवरी 26 नवंबर से रोक के रखा और 26 जनवरी को ही इसको किया तो इसलिए ये वाली कांग्रेस के अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट है इंडिया इज 26 नवंबर जिस दिन हमारा सच में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ था तैयार होकर ओरिजिनल इंडिया जो पब्लिश किया गया था देहरादून फिर देहरादून में फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रेट कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें पता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओरिजिनल उन्नीस सौ पचास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रजर्व इन पार्लियामेंट हाउस ड्राफ्टिंग कमिटी रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज तो यहाँ पे इंग्लिश में वट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स ट्रूथ फिर उसके बाद इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोका चक्रा इस डैश डैश स्पोकन व्हील चौबीसवा नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर के शानमुखम चट्टी इनका नाम था वेन डिड इंडिया बिकम अ कंप्लीट सोरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज नॉन रिटर्न यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल द पावर्स आर कंट्रैक्टेड इन दी हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा आपको बाई कैमरल सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फिर इसी तरह से द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स तो ये किसके फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज दी भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉजी फेडरल है और उसके बाद हमारा आखिरी सवाल इस सेशन का आता है अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस लास्ट क्वेश्चन तक तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से पहले आपका करना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे तो यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले विच इज़ एन इन एलिनेबल अट्रीब्यूट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो यह है फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर तो यहाँ पर हमारी इंडियन पॉलिटिक के इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर ख़त्म हो जाते हैं आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी और इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पी डी एफ भी ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ने के लिए जो है आप रख सकते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार गुज़ार हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए जुड़े रहे और ये वीडियो अंत तक देखा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अबी कन ब्रीनस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल